हर दिन सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप ग्रुप्स में किसी ना किसी एक्सीडेंट का या किसी को दूसरे लोग बेदर्दी से मारते हुए वीडियो शेयर किए जाते हैं। कोई भी उस विक्टिम की सहायता के लिए रुकने की कोशिश नहीं करता और कभी कभी जो जान बचाई जा सकती थी उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हमारा विश्वास मर गया है कि हम सिर्फ बातों के ही विश्वासी रह गए हैं? हमारा अपने नेबर की तरफ कर्तव्य क्या खत्म हो गया है? आज का हमारा विषय है हु इज माई नेबर। सुनते हैं पहले परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने लूका की इंजील उसका 10वां अध्याय उसकी 25वीं आयत से लिया है। यहाँ दयालु सामरी का दृष्टांत है और यहाँ इस प्रकार लिखा है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उनकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उन्होंने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो, आमेन। प्रभु यीशु के भेजे हुए 70 चेले वापस आकर अपने काम से खुश हुए कि दुष्ट आत्माएं भी प्रभु के नाम में उनके अधीन थी। याकूब या जेम्स कहते हैं कि जिस प्रकार रूह या आत्मा के बिना शरीर मरा हुआ है, इसी प्रकार विश्वासी भी कर्म के बिना मरा हुआ है। सो इज डूइंग गुड एसेंशियल फॉर अ बिलीवर? हाँ, ये ऐसा नहीं है कि अच्छा काम करना जरूरी नहीं है, लेकिन समझना ये जरूरी है कि अच्छे काम करने क्यों हैं। क्या ये परमेश्वर को खुश करने के लिए है, उनकी हजूरी में पहुंचने के लिए है? अगर ये है तो वो गलत है। भजन संहिता 14:3 में कहा है, कोई भी इंसान इस काबिल नहीं, कोई भी अच्छा नहीं है, एक भी नहीं। ये शायद 64:6 में फिर कहा गया है, हमारे जितने धर्म के अच्छे कर्म हैं वो सब मैले चीथड़ों के समान है परमेश्वर के सामने। लेकिन क्या हमें अच्छे काम करने बंद कर देने चाहिए? और क्या अच्छे काम अपने आप में ही पूरे नहीं हैं? योहन्ना 3 में एक और फरीसी है जो रात के समय पर प्रभु यीशु के पास आता है। वो यहूदी सनहेड्रिन उसका मेंबर है और टीचर है, सिखाने वाला गुरु है, और निकोडिमस उसका नाम है। और उसे प्रभु उत्तर देते हैं, जब तक कि कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता है। वो सुनता है, समझने की कोशिश करता है और उसमें बदलाव आने लग जाता है, क्योंकि वो टेस्ट करने नहीं, सीखने के लिए गया था। फिर योहन्ना 7:50 में वो यहूदी जो सनहेड्रिन जो सभा है उसमें ऑब्जेक्ट करता है कि बगैर प्रभु यीशु को सुने हम उन्हें कैसे दोषी ठहरा सकते हैं। और फिर योहन्ना 19:39 में वो अरिमथिया के योसेफ के साथ प्रभु यीशु को शरीर को लेने के लिए ताकि उसे दफनाया जा सके एक किन्समैन एक रिश्तेदार की तरह जा पहुंचता है। कितना बदलाव आ जाता है उसमें। लूका 10 का विश्वासी जो भी हमने पढ़ा था वो प्रभु यीशु को टेस्ट करना चाहता है, लेकिन उसके मन में वो डर भी है, कहीं मैं रह ना जाऊं स्वर्ग राज्य में, कहीं पहुंचने में पीछे ना रह जाऊं, कि मैं क्या करूं ताकि मैं वो अनंत जीवन पाऊं। हम सब उस स्वर्ग में जाना चाहते हैं, अनंत जीवन को पाना चाहते हैं, और दूसरों को अच्छा काम करके अच्छे कामों द्वारा हम जाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर की तरफ से जो कमांड है, जो आज्ञा है, वो बहुत क्लियर है। व्यवस्था विवरण 6:5 में लिखा गया है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और इसमें प्रभु यीशु ने वो अभी जो हमने पढ़ा था लूका 10:27 में, उसमें उन्होंने ये भी जोड़ा हुआ है, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके पहले कि हम दूसरे वाली जो आ गया उसे समझें,
कि अपने पड़ोसी से भी प्यार कर। उत्पत्ति एक में जब रचना की जाती है हर चीज की, तो इंसान को बनाए जाने से पहले सब कुछ बना दिया गया था, पेड़ पंछी जीव जंतु सब कुछ, वो सब बाहर हैं। फिर परमेश्वर बनाते हैं इंसान को एक मिट्टी का पुतला और उसमें वो अपनी सांस फूंक देते हैं, रवाक परमेश्वर का एक हिस्सा उसमें चला जाता है और वो एक ही है। परमेश्वर का सांस, उसका आत्मा जो उसमें जाता है वो उसके अंदर इंटरनल है, उसके अंदर है, बाकी सब कुछ बाहर है। जो बाहर है उनके लिए परमेश्वर ने प्रकृति के नियम बना दिए, उन नियमों के साथ उसे चलना है और उन नियमों के बारे में इंसान को जानने की ज्यादा जरूरत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने बताया कि तुम इस पेड़ का फल मत खाना। लेकिन उसे जो उसके अंदर है उसके बारे में जानना जरूरी था और परमेश्वर ने दिन प्रतिदिन अपने आप को उसके ऊपर जाहिर करना शुरू किया हर रोज शाम को आने के बाद। लेकिन पाप के आने से जो बाहर की चीजों की नॉलेज ज्ञान था वो हमारे दिमाग में चला गया, हमारे विचारों को, हमारी इच्छाओं को उसने प्रभावित कर दिया, हमारे शरीर को उसने अधिकार कर लिया। आत्मा जानता है, सोल या प्राण वो महसूस करता है और शरीर उसके अनुसार काम करता है। जो कमांड है परमेश्वर को अपनी संपूर्णता ही में प्यार करना, मोबाइल में जो जीपीएस सिस्टम है वो सैटेलाइट से अलाइन होता है और एक अलाइनमेंट के अनुसार फिर अपनी पोजीशन वहां मैप पर मिल जाती है और हम अपना रास्ता आगे देख सकते हैं। क्या हमारा जो आत्मा का जीपीएस है, आत्मिक जीपीएस है, वो सही तरीके से अलाइन हो रखा है? क्या वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है या कहीं और ही जुड़ गया है वो? अगर हमारा सिस्टम परमेश्वर से पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है और हम किसी और भी जुड़ रहे हैं तो हम अपने पड़ोसी से प्यार नहीं कर सकते क्योंकि हम परमेश्वर से ही प्यार नहीं कर रहे हैं। लेविटिकस 19:18 में, लेव व्यवस्था 19:18 में लिखा है, अपने पड़ोसी से प्यार करो जैसे तुम अपने आप से प्यार करते हो। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने आप से नफरत करते हैं, अपनी ब्यूटी सुंदरता के कारण या उसकी कमी के कारण, पैसों की बहुतायत के कारण या गरीबी के कारण, परिवार के कारण नफरत करते हैं अपने आप से। लेकिन क्या वो मुझे अधिकार देता है कि मैं अपने पड़ोसी से भी नफरत करूं? योहन्ना 13:34 में प्रभु यीशु फिर बोल देते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से इस प्रकार प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है। जो अच्छे काम है वो जरूरी तो हैं, लेकिन वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, उसका धन्यवाद करने के लिए है। वो धन्यवाद इस बात के लिए जो उन्होंने अपना प्यार अपने बेटे प्रभु यीशु के द्वारा हमारे ऊपर जाहिर किया और फिर सलीब के ऊपर उनकी कुर्बानी के द्वारा हमें निकाल लिया उस पाप के खड्डे से। पहला योहन्ना 3:16 में लिखा है, इसके द्वारा हम ये जानते हैं प्यार क्या है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान हमारे लिए कुर्बान कर दी और अब हमें भी दूसरे अपने भाइयों के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये है परमेश्वर से प्यार करना और फिर अपने पड़ोसी से भी प्यार करना, सही मायने में ये आज्ञा हो जाती है। असल जिंदगी में जब हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हमारे दिल में बदला लेने की भावना पैदा हो जाती है। इसी प्रकार किसी दूसरे के लिए, चाहे वो कोई अनजान हो, चाहे कोई वो अपना हो, उनके लिए अपनी जान का खतरा कैसे लिया जा सकता है? हम लय व्यवस्था 19:18 अगर पढ़ें तो वहां इस प्रकार लिखा है, पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। पलटा ना लेना, बदला मत लेना, बैर मत रखना, दो चीजें हैं। लेकिन तुम अपना जो पड़ोसी है एक दूसरे के साथ प्यार रखना, डू नॉट टेक रिवेंज नॉ बेयर अ ग्रज, ये दोनों जो हैं बदला लेना और बैर रखना दोनों गुस्से के साथ लिंक हैं। इब्रानी भाषा में जो ये शब्द पड़ोसी है वो है लेरे का और इसका ट्रांसलेशन हमने कर दिया यू शैल लव योर नेबर, लेकिन इसके आगे एक लमेट लगा हुआ है
इब्रानी भाषा में, उसके अनुसार इसकी जो ट्रांसलेशन वो बदल जाती है, वो ट्रांसलेशन बन जाती है, यू शैल डू एक्ट्स ऑफ लव टू योर नेबर, तुम अपने पड़ोसी से प्यार वाले काम करोगे, प्यार भरे काम। अयूब 29:3 में अयूब कहता है, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था, जब परमेश्वर के दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर था और उससे उजियाला पाकर मैं चलता था तो मैं क्या करता था। फिर वो 12-17 आयत में बोलते हैं, क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था, जो नष्ट होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढांके रहा, मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था, मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था, दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था और जो मेरी पहचान का नाम था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था, मैं कुटल मनुष्यों की दाढ़ें तोड़ डालता और उनका शिकार उनके मुंह से छीनकर बचा लेता था। मैं ये सब काम करता था क्योंकि उसकी रोशनी में मैं चलता था। प्रभु यीशु ने हमें छुड़ा लिया, पापों से हमें निकाल लिया, बचा लिया हमें उस अंधेरे से। अब हम जो ये अच्छे काम करते हैं उन्हें खुश करने के लिए नहीं, उन्हें धन्यवाद करने के लिए। अब आते हैं वो बैर मत रखना, द्वेष मत रखना। मत्ती 6:12 में लॉर्ड्स प्रेयर है, वहां पर ये कहा हम प्रार्थना करते हैं, जैसे हमने दूसरों को जिन्होंने हमारे खिलाफ पाप किया माफ करते हैं, उसी प्रकार हमें भी माफ करना, जैसे हमने किया वैसे हमें कर देना, अगर हम नहीं करते तो हमें भी मत करना। इसका मतलब यही हो जाता है ना। तो इसलिए अगर हम किसी दुश्मन को माफ नहीं करेंगे, दुश्मन को या जिसने हमारे साथ बुरा किया है, तो फिर हम पाप के उसके माफी के हकदार कैसे हो सकते हैं। आजकल फोर्ड कार का एक एडवर्टीजमेंट आती है टेलीविजन के ऊपर, बड़ी हैरानी की एडवर्टीजमेंट है। वो एक बच्चा अपने पिता के साथ जा रहा है और वो सड़क के किनारे पर एक एक्सीडेंट देखते हैं, जो एक्सीडेंट का विक्टिम है उसकी कोई मदद नहीं करता, वो जो पहले मेरोला ने बोला था वीडियो बना रहे सब। बच्चा अपने पिता से पूछता है, अगर ये हमारे साथ होगा तो क्या कोई हमारी भी मदद नहीं करेगा। पिता बोलता नहीं, और वो गाड़ी रोकता है और वो दोनों उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। क्या सुंदर मैसेज दिया गया इस एड के द्वारा कि ये गाड़ी वाले लोग भिन्न हैं, हम जो चुने गए लोग हैं हम भिन्न हैं, हम गाड़ी के कारण भिन्न नहीं होते हैं, हम भिन्न होते हैं प्रभु यीशु के साथ पहचान के कारण। अगर हम किसी दूसरे के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, कोई काम नहीं करना चाहते हैं, अपने पड़ोसी की मदद नहीं करना चाहते हैं, तो फिर हम ये कैसे कह सकते कि हमारी कोई मदद करेगा। फिर हमारी पहचान क्या है, क्या हम सचमुच में ही क्रिश्चियन हैं, क्या हम ये कह सकते हैं हम प्रभु यीशु जैसे हैं जो स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए कुर्बान होने के लिए आ गए, अपना सब कुछ छोड़कर इंसान बन गए, परमेश्वर इंसान बन गया, सलीब पर दुख उठा लिया, क्या हम किसी दूसरे के लिए थोड़ा सा भी दुख नहीं उठा सकते। यही हमारे लिए वो मैसेज देते हैं लेवी व्यवस्था में। उस फरीसी ने पूछा कि हमारा पड़ोसी कौन है और प्रभु यीशु ने गुड समैरिटन वाली बात सुनाई, हम इससे क्या सीख सकते हैं। उस फरीसी ने पूछा तो मेरा पड़ोसी कौन है, उसने पहले जो हमने पढ़ा था प्रभु यीशु को टेस्ट करना चाहता है वो। प्रभु यीशु फिर उसे सुनाते हैं, एक इंसान जा रहा था यरूशलेम से यरीहो की तरफ और डाकुओं ने उसे घेर लिया। उसमें एक इलाका है उस वहां था जहां पर के कुछ गुफाएं थी, जंगल सा था जहां पर डाकू घेर लेते थे लोगों को। उसको उन्होंने घेर लिया, मारा पीटा, सब कुछ उसका छीन लिया, जो उसके कपड़े ले जाने वाले थे उसको उतार लिए और उसे अधमरा कर छोड़ के निकल गए। अब पहला वहां पर इंसान आता है याजक। याजक नेचुरली
यरूशलम से आराधना के बाद में जा रहा है, और वो उसको देखता है, एक कतराकर एक साइड से निकल जाता है, क्योंकि वो सोचता है शायद ये मर गया है, अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो मैं अनक्लीन हो जाऊंगा, अपवित्र हो जाऊंगा। निकल गया, कोई जिम्मेवारी नहीं। उसके बाद में आता है एक लेवी, लेवी वो है जो वहां आराधना में हिस्सा लेते हैं, वो भी साथ से निकल जाता है। अब तीसरा आता है सामरी। सामरी है कौन? सामरी नॉर्दर्न किंगडम के लोग हैं। नॉर्दर्न किंगडम जब सुलेमान की मौत के बाद में दो बन गए थे राज्य, सदर्न और नॉर्दर्न, नॉर्दर्न किंगडम वालों को बेबीलोन वाले पहले कैप्टिविटी में ले जाते हैं, जो कुछ लोग पीछे बच जाते हैं उनमें दूसरे लोग उधर से यहां बसा दिए जाते हैं, या इंटरमैरिज के साथ मिक्स हो जाए, मिक्स रेस बन जाती है। यहूदी लोग इनसे नफरत करते हैं इस बात के कारण कि ये अपने धर्म के साथ ये सच्चाई में नहीं रहे हैं और ये अपवित्र लोग हैं। यहूदी लोग जीनियोलॉजीज में चलते हैं, इसीलिए प्रभु यीशु की भी जीनियोलॉजी बताई गई है, लूका में भी और मत्ती में भी, आदम से लेकर और कहां अब्राहम से लेकर, क्योंकि वो उस पर उनका विश्वास है कि हमारा पीछे से पूरा पता होना चाहिए तब हम पूरी तरह से हम यहूदी माने जाए। अगर कोई नहीं प्रूव कर सकता था तो उसे वो यहूदी मानने से भी इनकार कर देते थे। आजकल भी ये चल रहा है वहां पर इथियोपियंस के साथ। लूका 10 की फिर 33 से 35वीं आयत में जो वो सामरी है वो वहां पहुंच गया सीन के ऊपर। अब सामरी को इससे कोई लेने लेना देना होना नहीं चाहिए, वो तो बिजनेसमैन है, जा रहा है वो उससे निकलकर। अब वो क्या करता है, वो उसे देखता है। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला, उसे देखकर उस पर तरस खाया। पहला काम है उसे देखता है, इंजर्ड इंसान पड़ा है उस पर तरस खाता है, फिर वो उसके पास जाता है, उसके पास जाकर उसको देखता है, एग्जामिन करता है, इसको जरूरत क्या है, देखता है इसके चोटें लगी हुई हैं, और उसके घावों पर तेल और दाकरस डालकर पट्टियां बांधता है, दवाई लगाकर उसके जख्मों पर पट्टियां बांध देता है। और अब क्योंकि उसके वस्त्र उतारे हुए थे पहले, उसने उसको कपड़े भी पहनाए होंगे, अपने कपड़े उसको दिए होंगे, फिर वो अपनी सवारी के ऊपर उसे बिठा लेता है, खुद वो चलने लगता है और चलकर जाता है वहां से यरीहो तक। उसे भी ये डर लगा होगा कि डाकू तो इधर ही कहीं हो सकते हैं, मुझे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन वो इन विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। वो उसे लेकर जाता है और सराय में पहुंच गया जहां उसने खुद ठहरना था, रात में उसकी देखभाल करता है, खाना वगैरह खिलाया, जो कुछ भी उसके लिए करता है। अगले दिन जाते वक्त वो जो सराय का मालिक है उसे 2 दिनार देता है और कहता है इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। 2 दिनार ये पकड़, अगर कुछ रह गया तो मैं और दूंगा, इसका ध्यान रखना है तुमने। जो यहूदी उसके साथ वाले थे याजक और लेवी उसकी कोई फिक्र नहीं करते हैं, सामरी जिनसे वो नफरत करते हैं वो ये काम करता है। अयूब जो हमने पहले पढ़ा था और सामरी, ये जो ये अच्छे काम करते हैं, कोई एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारे लिए कोई भला करेगा। सामरी ने तो सोचा भी नहीं होगा हमें दोबारा मिलेगा, उसने सोचा अभी इसको मैंने छोड़ दिया यहां पर, 2 दिनार दे दिए, वापसी पर अगर ये होगा तो ठीक है, नहीं होगा जो पैसे ज्यादा होंगे मैं सराय वाले को दे दूंगा। अब वो सराय वाला के विश्वास योग्य है वो, तभी तो उसको सराय वाला भी मानता है। वो ये काम करते हैं क्योंकि उन्हें परमेश्वर पर विश्वास है, वो परमेश्वर की रोशनी में चलते हैं। मत्ती 5:44 में प्रभु यीशु इससे एक कदम और आगे बताते हैं हमें करने के लिए। वो कहते हैं परंतु मैं तुमसे 43 में कहते तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हें तंग करते हैं
उनके लिए प्रार्थना करो। और जो प्रभु यीशु ने सिखाया, जो बोला, वो उन्होंने किया भी। वो सलीब पर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने उसे सलीब पर पहुंचा दिया। वो कह देते हैं, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, परमेश्वर इन्हें माफ करना। प्रभु यीशु की इस आज्ञा के अंदर कोई इफ और बट नहीं है, अगर ये होगा तो ये करना, अगर नहीं तो ये करना। नहीं, ये एक बड़ी टफ कमांड है। परमेश्वर को प्यार करना शायद आसान होगा, क्योंकि वो यहोवा यारे है, प्रोवाइडर है, वो हमें सब कुछ देते हैं। वो हम उनका धन्यवाद करते हैं, हमें सांस दिया, ये घर दिया, सब कुछ दिया है। धन्यवाद करना आसान है, प्यार करना उनके साथ आसान है। यूहन्ना 1:12 में प्रभु यीशु के ऊपर जिसने भी विश्वास किया वो परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का बच्चा कहलाने का हक पा गया। और जो ये रिलेशनशिप, जो ये रिश्ता है, ये ट्रांसफर नहीं होता है, बदली नहीं हो सकता है, ना ये नेशनल है कि उस नेशन के लोग परमेश्वर के बच्चे बाकी नहीं है, ना ये एथनिक है उस कम्युनिटी के लोग हैं। नो, इजरायली लोग पहले थे चुने हुए, अब हम सब चुने हुए लोग हैं। अब जैसे सामरी ने किया, हमें भी देखना है जो हमारा पड़ोसी, उसकी जरूरत क्या है। पड़ोसी हमारे पास नहीं आता है, हमें उसके पर जाना होता है, उसके पास हमें जाना है। हम उसकी जरूरत को समझते हैं, उसके पास जाते हैं। कुछ समय पहले हमारा जलंधर में जो ट्रस्ट है वहां पर एक परिवार को लाया गया। एक औरत है, उसकी 4 बेटियां थी। पहली बेटी शादी उसकी तय हो गई, शादी होने वाली थी। दूसरी बेटी 12वीं पढ़ने के बाद में एक दुकान में नौकरी कर रही थी। तीसरी बेटी 10वीं क्लास में पढ़ती थी। चौथी बेटी अभी शायद 3-4 साल की थी। और उसके पति ने अचानक सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। और वो जो लेडी थी वो घरों में काम करके उन बच्चियों को पाल रही थी। अब उस परिस्थिति में हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? सबसे पहली ऑप्शन, कोई बात नहीं है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ देंगे, आप जाओ। परमेश्वर किसी इंसान के द्वारा देते हैं किसी को? सीधी, मैंने नहीं सुना है कि सीधी स्वर्ग से वर्षा हुई हो नोटों की, किसी के घर में गिर गए हो, मैंने नहीं सुना, शायद किसी और ने देखा हो, मैंने नहीं देखा। किसी इंसान को वो देते हैं, मुझे बहुत तायद दी तो मैं किसी की मदद करता हूं, किसी और को आपको बहुत तायद दी आप मदद करते हो, कंट्रीब्यूट करते हो प्रोग्राम के लिए, सब तरह से आप कंट्रीब्यूट करते हो। तो अगर हम ये पहली ऑप्शन ले लेते हैं कि जाओ हम प्रार्थना करेंगे, तो वो गलत हो जाएगी। दूसरी ऑप्शन है कि हमें क्या लेना जी, अब आपका परिवार, आप अपनी जिम्मेवारी संभालो, इसके मुताबिक आप चलो, जो आपने करना अपने आप करो। अब ये सबसे आसान ऑप्शन है, अपना पल्ला झाड़ो और दूर हो जाओ। जो इंसान मेरे पास आया है उसके मन में ये विश्वास है कि मेरे पास वो साधन है कि मैं उसकी जरूरतों पूरा कर सकूं। उसकी जरूरतें हो सकती हैं सामाजिक, समाज में किसी केस के लिए, किसी चीज के लिए उसकी सहायता करना। उसकी जरूरतें हो सकती हैं आर्थिक, कुछ पैसे की उसकी जरूरत हो। उसकी जरूरतें हो सकती हैं आत्मिक, उसे नहीं समझ आ रही है, उसके लिए प्रार्थना की जरूरत है। मुझे ये सब जरूरतें उसकी पहचाननी है और उसके अनुसार उसके लिए कुछ करना है। उस केस में हमने ये सोचा जो तीसरी लड़की है उसे पढ़ाया जाए और उसे स्कूल में डाला गया। वो गवर्नमेंट स्कूल में थी, वहां से उसे शिफ्ट किया गया। वहां उसे जब असेस किया गया उसका स्टैंडर्ड 9th के बराबर निकला, तो उसे 9th से 12th तक वहां पढ़ाया गया। उसके बाद में उसे चंडीगढ़ में एक होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है उसमें वहां डालकर बेकरी और कन्फेक्शनरी का 1 साल का डिप्लोमा कराया गया। अब वो एक 5-स्टार होटल में अपनी इंटर्नशिप ट्रेनिंग कर रही है। जरूरत ये नहीं है कि उसे हम पैसे पकड़ा दें, जाओ तुम ये पकड़ो आज और जाओ। जरूरत ये है कि उसे एक हुनर दे दिया जाए। मछली दे देना उसको आज की जरूरत पूरी कर देगा, लेकिन मछली पकड़ना सिखा देना उसे सारी उम्र के लिए तैयार कर देगा। हमने यही कोशिश की कि उस बच्ची को तैयार कर दिया जाए कि अपने परिवार को संभाल सके। तो जब कोई हमारे पास आया
तो उसकी जरूरतों को हम पहले असेस करें, जैसे उस सामरी ने किया, फिर उसके अनुसार उसकी सहायता करें। अब प्रभु यीशु ने आज्ञा दी, जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। जरूरत है उन लोगों की जो मेरे अभी नेबर हैं। अब मेरा नेबर है कौन? मेरा नेबर वो है जिसको किसी तरह से मैं वचन नहीं पहुंचा सका हूं, जो वचन नहीं जानता है, वो मेरा नेबर है, क्योंकि वो अंधेरे में है। इस युग के राजकुमार और शैतान ने उनके मनों को अंधा कर रखा है, वो वचन को नहीं सुनते हैं, नहीं समझना चाहते हैं। जब हम वचन सुनाने जाएं तो शायद वो लड़ पड़े हमारे साथ। अब हमें पेशेंस के साथ लगे रहना है, उनकी जरूरत क्या है, सामाजिक जरूरत, आर्थिक जरूरत, स्पिरिचुअल नीड, हर तरह से उसके मुताबिक हम चारों तरफ से उनके पास जाकर उनकी जरूरतों में लगे रहें, एक बार, दो बार, चार बार, दस बार। और इस प्रकार जब हम लगे रहेंगे, एक दिन पत्थर पर पानी गिरते गिरते धार बन ही जाएगी। पेशेंस के साथ हमें बने रहना पड़ेगा। प्रभु यीशु को हर कदम पर अपोजिशन का सामना करना पड़ा, चाहे फरीसी, चाहे सदूसी, चाहे चीफ प्रीस्ट, चाहे कोई भी चेले जो आए, लोग 5,000 को खाना खिला दिया, अगले दिन उसे राजा बनाना चाहते थे, लेकिन सलीब पर जाते वक्त वही लोग परे हो गए, कन्नी कतरा गए, सब लोग भाग गए। प्रभु यीशु ने फिर भी पेशेंस बनाए रखे। हमें उनकी तरह बनना है। नेबर वही है जो जरूरतमंद है। हम जरूरतमंद थे, पाप में डूबे हुए थे, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया, हमारे ऊपर कुर्बान कर दिया, हमारी जरूरतों को उसने पूरा कर दिया। अब हमें भी इसी प्रकार दूसरे लोगों की जरूरत समझते हुए ये जानना है हमारा नेबर कौन है। उस नेबर के पास हम वचन लेके जाएं, उसकी हर तरह की जरूरत की को पहचाने, और फिर जैसे सामरी ने मरम पट्टी की, उनके मन के जख्मों को, कई बार हम सिर्फ उनकी बात सुन ही लें, वो भी बहुत होगा। उनको सुनना, समझना, उनके साथ बैठना, प्रार्थना करना, इस प्रकार हम उनकी जरूरतों को पूरा करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके प्यारे बेटे के लिए जिन्हें आपने भेज दिया हम जरूरतमंदों के लिए, हम पाप में डूबे हुए लोगों के लिए, ताकि वो हमें अंधेरे से निकाल सकें। प्यारे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए, शांति दीजिए, कि हम सच में अपने पड़ोसी से प्यार कर सकें, हम आपसे प्यार कर सकें। और प्यारे प्रभु, आपसे हम प्यार तभी जाहिर कर सकते हैं जब हम आपके क्रिएट, आपकी क्रिएशन से प्यार करें। हमें सहायता कीजिए हमारी, हमें आशीष दीजिए कि हम दूसरों की जरूरतों को पहचाने और उनको आगे बढ़कर सहायता के लिए आगे जाएं। इसके द्वारा हम आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद सहित सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। आमेन, 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 आमेन। सवाल ये नहीं है कि हमारा नेबर कौन है, लेकिन ये जान लेना ज्यादा जरूरी है कि हमारा परमेश्वर कौन है। जिसकी हम आराधना करते हैं उसी के जैसे बनने की हम कोशिश करते हैं। हमारा परमेश्वर एक प्यार करने वाला पिता है और दूसरी तरफ न्यायी भी है। जैसे उन्होंने हमें प्यार किया और अपनी सबसे प्यारी चीज अपने बेटे को ही हम पर कुर्बान कर दिया, उसी तरह हमें भी दूसरों के लिए रोशनी बनकर चमकना है। आशा करते हैं कि आज के इस एपिसोड से आप आशीषित हुए होंगे। अगर कोई भी एपिसोड आप दोबारा देखना चाहते हैं तो YouTube पे देख सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।